केसरगंज के अंदर दुकान है हमारी, अग्रवाल डिस्पोजल के नाम से दुकान है जो केसरगंज के अंदर कबीर मार्ग पर है। कल रात की बात है, हम सुबह जब आए दुकान के ताले हम खोलने के लिए आए तो ताले ऑलरेडी टूटे हुए थे। शटर जो बीच के अंदर से यूँ ऊंचा करा हुआ था, ताले टूटे हुए ज़मीन पर पड़े थे, कुंदे काटे गए बाकायदा, और वो तीन जने थे। सीसीटीवी में हम आपको सीसीटीवी प्रोवाइड करा देंगे, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि वो अंदर आए हैं और गले के भी लॉक तोड़े उन्होंने बाकायदा, और गले के अंदर लगभग हमारे 16,000 के आसपास कैश पड़ा हुआ था वो लेके, और वो चले गए हैं। और ये बात है रात की लगभग 3 बजे की, जो सीसीटीवी के अंदर आ रहा है फुटेज, तो 3 बजे के आसपास आ रहा है। और यहीं पे कुछ टाइम बाद पहले ही 6-8 महीने पहले भी चोरी हो चुकी है, जिसकी भी हमने शिकायत दी थी, लेकिन फिर भी कोई गश्त, हमारी एक ही मांग है पुलिस प्रशासन से कि हमारे यहाँ पर गश्त बहुत बढ़ाई जाए। और कुछ ही कदम पर आगे एक और दुकान के भी ताले टूटे हैं, वहाँ पर थोड़ा रात को पड़ोस में जो बैठा था उसने हाउल्लड़ करा, जिसके कारण वो वहाँ से भाग गए, वो दिख रहा सीसीटीवी में भाग गए हैं। हम यही चाहते हैं, सभी व्यापारी हम मिलकर एक ही मांग करते हैं कि जो शहर के बीच के अंदर अगर ऐसी चोरी हो रही है, जहाँ से चौकी 2 कदम पर ही है, आपको मालूम है यहाँ से चौकी 2 कदम पर ही है, और शहर का सबसे बड़ा क्लॉक टावर थाना जो यहाँ पर लगता है, फिर भी अगर यहाँ पर ऐसी वारदात हो रही है तो हम कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, व्यापारी कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। व्यापारी को केवल हम बस ये समझ लो, आप कभी नगर निगम मांगती है पैसा मांगती है, कभी कोई मांगता है, व्यापारी हर जगह तैयार है, हर जगह पैसा देता है, सब सुविधा देता है, टैक्स देता है, तो फिर यहाँ पर हमारे को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि भैया आप खुद चौकीदार रखो, ये करो वो करो, अगर हम ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर हम तो सेफ है ही नहीं, हम अपने आप ही सब सिक्योरिटी करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। हमारी ये मांग है, हम इस मामले के अंदर केसरगंज व्यापारिक एसोसिएशन के बैनर पर बाकायदा मैं भी एसपी साहब से भी मिलने जा रहे हैं, और लिखित में हम यहाँ पर क्लॉक टावर पर शिकायत देंगे, जो अभी हम आपको भी देंगे, लिखित में शिकायत दे रहे हैं, जिसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए और हमारे को सिक्योरिटी कराई जाए। जय गोयल, अध्यक्ष केसरगंज व्यापारिक संघ। ये पड़ाव केसरगंज के अंदर है, चटाई मोहल्ले के कॉर्नर पर दुकान है मेरी, खुशी प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पर रात को करीब 2 से 3 के आसपास 3 चोरों ने सेम ऐसे हमारे ताले के नुक्के तोड़ दिए, और हमारे तो क्या पास में 2 जने सो रहे थे, उनके हल्ले करने से वो भग गए, और आगे गली में भी एक दुकान की चोरी हुई है, वहाँ पे उनके भी सेम जो जैसे मेरे तोड़े गए वैसे ताले उनके तोड़े गए, तो उनके तो नुकसान हुआ। नहीं मेरे तो नहीं हुआ, 2 दुकानें हुई है उनमें ज़रूर नुकसान हुआ, वो मेरे तेल का काम है, उनके धोने पतल का काम है। मैं आपके चैनल के मार्फत से सीसीटीवी फुटेज में तीनों के दिख रहे हैं, पुलिस को भी सूचना दे दी, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है, और पुलिस से आग्रह भी करा गया कि भाई थोड़ी रात्रि में गश्त बढ़ाई जा रही है। मेरा अतुल शर्मा, और थाना और चौकी दोनों पास में ही है, क्लॉक टावर तो थाना लगता है, चौकी 200 मीटर, थाना 200 मीटर, 300 मीटर के आसपास में है।